गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम ढलने को है और चाय वाय पी के हम आ गए हैं छत पे। संगीता भी आई थी लेकिन अभी वो गई है नीचे, उसकी बेटी बुला रही थी ना तो वो गई है नीचे रील्स बनाने के लिए। मैंने पहना था, बहुत हैवी है। और अभी सनसेट हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए अभी ना सनसेट हो रहा है और थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चल रही है। तो ये कोकोनट ट्री के बीच सूरज चाचू, पिंक पिंक, बहुत नहीं पिंक ये मोबाइल में दिख रहा है लेकिन वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। थर्सडे है ना, तो थर्सडे को हमारे यहाँ तो नॉन वेज नहीं होता है, सब कुछ भेज प्योर भेज, बिना प्याज लहसुन के सब हुआ था आज। तो चावल दालमा भाजी वगैरह ऐसे हुआ था आज, किसी कुछ खास नहीं हुआ था। तो जो भी हुआ था अच्छा लगा। नॉन वेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, दो तीन दिन से नॉन वेज बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो आज प्योर वेज खाने में अच्छा लगा। तो अभी हम चाय पी के आए। और चलिए, अगर चैनल में पेज में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और ब्लॉग को शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तो 8 बज चुके हैं, गुड मिनट, अभी तो 8 बज चुके हैं और प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है और दिखा रही हूँ अभी प्रीति और यहाँ पे प्रीति का डांस प्रैक्टिस चल रहा है। डांस प्रैक्टिस कम चला है और इनका देखिए, इसको देखिए, किसको, इसको देखिए, का डांस प्रैक्टिस चल रहा है और मैं फ़ोन दे रही हूँ, उसे काम है, तो फिर बाद में मिलती हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई, रात को टाइम नहीं मिला कुछ शूट करने के लिए क्योंकि रात 11 बजे तक किसू का पढ़ाई चल रहा था, फ़ोन से ही वो पढ़ रहा था। तो अभी सुबह हो गई है और आज ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं है। सुबह आप टिफिन में बनाए थे पनीर पराठा जो लेके बच्चे स्कूल चले गए, अभी इनके लिए बस पराठा बनाऊंगी, चाय के साथ खा के जाएंगे, उनको भाजी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी नीचे जा रही हूँ, पराठा तो बनाऊंगी, चाय बना दूंगी एक कप हो जाएगा। मैं ना कप्स जो है ऊपर था और मैं भूल आई, सोचा उसको लेके जाऊं लेकिन फिर भूल गई। सुबह चाय लेके आई थी पीने के लिए और यहीं पर ही रख दिया था ये। अभी तक मैंने नहाया नहीं है, परसों मैंने अपने हेयर शैम्पू किया था लेकिन फिर से ऑयली चिपचिपा हो गया, तो आज फिर से शैम्पू करूँगी ना। तो आज इतना कोहरा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, तो थोड़ी देर से शैम्पू करूँगी। वैसे ही मुझे अभी कोल्ड है जो अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए पहले पराठा बना देती हूँ, उनको देती हूँ, उसके बाद पानी गर्म करके नहाऊंगी। किए तो दो डिगो ना इसलो चुन्ना का छाव मगे ले जा, देखिए ओडा के तले भलो अछ ने बोलो। ओके, आलू कटगी इनको और बगल में दे दे, पाटो पाटो देखो मत ये भूलो छी सज्जा छी। हां
अभी बना रही हूँ पराठा और वहाँ पे बना है भाजी, लेकिन मैं खाऊंगी चाय के साथ पराठा। देसी घी में बनाए हुए पराठे ना चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बुद्धि चाहिए बुद्धि तो आप ओडिया ब्लॉगर संगीता गर्ल को फॉलो कर लीजिए, लेकिन वो अपने ब्लॉग में कुछ भी बुद्धि वगैरह नहीं देते, सिर्फ बेकार की बातें करते। बुद्धि चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा कौन सी चीज में बुद्धि चाहिए, सिर्फ बेकार की बातें करते है, कुछ बुद्धि बुद्धि नहीं देती, समझे? किस टॉपिक पर बुद्धि तो ये कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हूँ, बहुत सारी बुद्धि है मेरे पास, साउंड तो मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं नहा के आने के बाद ना यहाँ बैठ के बस अपने बालों को सुखा रही थी। ये तो खा के ऑफिस चले गए हैं और मैंने भी चाय पराठा खा लिया, वीडियो बनाना भूल गई। तो फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। कल है मकर संक्रांति ना, तो कल जल्दी उठना है, जल्दी नहाना है, और कल की ब्लॉग में आपके साथ कल या फिर परसों शेयर करूँगी, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।